हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे किसी पर्टिकुलर डिवाइस, मोबाइल या लैपटॉप को हम ब्लैकलिस्ट में कैसे डालें थ्रू अरूबा सेंट्रल। सपोज आप चाहते हैं कि आपके वाईफाई को कोई पर्टिकुलर पर्सन ना यूज कर पाए, ना कनेक्ट कर पाए, तो उसके लिए हम क्या ब्लैकलिस्ट में कैसे डालें? दोस्तों, यह है अरूबा सेंट्रल का पोर्टल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी आपने ग्रुप बनाया हुआ है वाईफाई का, हमने ग्रुप बनाया हुआ है HQIAP के नाम से। तो यहाँ पे आना है आपको डिवाइस के अंदर, दोस्तों डिवाइस के अंदर हमें शो करता है कि कितनी डिवाइसेस आपकी लगी हुई हैं इस ग्रुप में, कितने ऑनलाइन हैं, कितने ऑफलाइन हैं, राइट? ऑफलाइन का सिग्नल इस टाइप से दिखाएगा, ऑनलाइन का। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है दोस्तों कॉन्फिगर पे। कॉन्फिगर पे क्लिक करने के बाद जस्ट सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि कितने SSID बनी हुई है आपकी, राइट? जितनी भी SSID बनी होगी यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल आपको सिक्योरिटी। दोस्तों जितनी भी SSID बनी हो, किसी भी SSID में पर्सन लॉग इन नहीं कर पाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट? तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की साइड आना है और आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिनाय लिस्टिंग, इस पे क्लिक करना है। डिनाय लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद हमें ये प्लस का जो बटन है उस पे क्लिक करना है, मैनुअल डिनाय लिस्टिंग, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी डिनाय लिस्टिंग में मैक एड्रेस आपके हैं वो शो करेंगे। जस्ट हमें न्यू ऐड करना है, तो क्लिक ऑन प्लस बटन, यहाँ पे मैक एड्रेस डालेंगे। तो सबसे पहले मैक एड्रेस हम कलेक्ट करते हैं। तो मैक एड्रेस कैसे निकालते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसे बोलते हैं, या फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। लैपटॉप है तो लैपटॉप में कैसे निकालते हैं, या डेस्कटॉप में? दोस्तों सिंपल हमें विंडो R प्रेस करना है और यह लिखना है CMD। यहाँ पे टाइप करना है IP config /all। यहाँ पे जितने भी आपके मैक एड्रेस हैं यहाँ पे शो करेंगे, या तो लोकल एरिया नेटवर्क के हैं या वाईफाई के हैं। तो वाईफाई के शो करें वाईफाई लैन एडॉप्टर वाईफाई। तो आप देख पा रहे हो फिजिकल एड्रेस, तो ये हमारा है मैक एड्रेस। जस्ट हमें इन्हें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम अगेन अरूबा सेंट्रल पे चलेंगे। यहाँ पर सिंपली आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों? बट जो मैक एड्रेस का फॉर्मेट आपने कलेक्ट किया है वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डैश को हटाकर कॉलन लगाना पड़ेगा, राइट? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डैश को हटाने, किसी किसी में डैश लगा होता है ऑलरेडी और कहीं पे नहीं लगा होता है। तो अगर डैश लगा हुआ है तो आपको लगाना है कॉलन डैश की जगह। राइट, नाउ क्लिक ऑन ओके। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, ये जो मैक एड्रेस की एंट्री है आपको नीचे शो कर देगी, आप देख पा रहे होंगे, राइट? अगर आपको डिलीट करना है तो अगेन यहीं पे आना है और डिलीट करना है। सेव सेटिंग, तो इस तरह देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैक एड्रेस में एंट्री होगी। अब ये इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो हमारे वाईफाई को एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे वो ट्राई करेगा एक्सेस करने के लिए, वो डिनाई कर देगा, एंट्री नहीं लेगा। जैसे पासवर्ड डालेगा वो कांट कनेक्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो ऐसे मल्टीपल डिवाइसेस को, जितने भी डिवाइसेस आप चाहते हैं यहाँ पे एंट्री करके उसे ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं।
राइट। अब देखिए ये मैसेज आ रहा है कि कब एंट्री हुई है इसकी, टाइम पीरियड दिखा रहा है कब एंट्री हुई है। तो दोस्तों इस तरह आप किसी भी डिवाइस को यहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं और उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर मैक एड्रेस को, ओनली मैक एड्रेस को कैसे अलाउ करेंगे, डिनाई फॉर एवरीवन, ओनली पर्टिकुलर मैक अलाउ फॉर एक्सेस पॉइंट। जिस मैक एड्रेस को अलाउ करेंगे सिर्फ वही डिवाइस कनेक्ट हो पाएगी, अदर कोई डिवाइसेस कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।